नंबर एक देवबंद क्या है और नंबर दो देवबंद का पैगाम बोलिए। नंबर एक देवबंद क्या है और नंबर दो देवबंद का पैगाम क्या है। ये दो बातें मैंने समझानी हैं। नंबर एक देवबंद क्या है और नंबर दो देवबंद का पैगाम क्या है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि देवबंद क्या है, आप कहोगे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, कौन नहीं जानता। आप हजरात के ज़हन में आएगा ये बात कोई समझाने की ज़रूरत है कि देवबंद क्या है। हम सब जानते हैं कि देवबंद क्या है। मैं कहता हूँ आप नहीं समझते कि देवबंद क्या है। आम बंदे के ज़हन में है कि देवबंद एक शहर का नाम है, जो इस शहर की तरफ निस्बत करे उसे देवबंदी कहते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है देवबंद मुस्तकिल एक मकतबा फ़िक्र एक नज़रिया है, इस नज़रिए को अपनाएं तो फिर देवबंदी कहते हैं। ना, ये दो बातें अलग अलग हैं। ये बात बजा है कि देवबंद एक शहर का नाम है, जो देवबंद में पैदा हो उसे देवबंदी कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल बजा है, लेकिन हमारा मकसद आज शहर की निस्बत नहीं, हमारा मकसद एक वसफ की निस्बत है। निस्बतें दो किस्म की होती हैं, कभी निस्बतें होती हैं शहरों की वजह से, कभी निस्बतें होती हैं ख़ानदानों की वजह से, और कभी निस्बतें होती हैं बाज़ औसाफ़ की वजह से। हम जो देवबंदी ख़ुद को कहते हैं इस वजह से नहीं कि हम शहर देवबंद से रहते हैं, इस वजह से नहीं हम शहर देवबंद में पैदा हुए हैं। हम जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं उसकी वजह ये नहीं कि हमारे आबाओ अजदाद में से कोई बंदा देवबंद में पैदा हुआ उसकी वजह से ख़ुद को देवबंदी कहा, और हम जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं उसकी वजह ये भी नहीं है कि देवबंद को अलग मसलक है, अलग नज़रिया है, अलग फ़िक्र है, ये बात नहीं। मैं आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ देवबंद मुस्तकिल अलग मज़हब नहीं, बल्कि जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उस तसलसल का नाम देवबंद है। देवबंद वालों ने क्या काम किया है, बात तवज्जो से समझना। देवबंद वालों ने काम क्या किया है, कोई नया मज़हब नहीं दिया, नया दीन नहीं दिया, नया फ़िरका नहीं दिया, नया नज़रिया नहीं दिया, कोई नई सोच नहीं दी। देवबंद ने यह काम नहीं किया, बल्कि देवबंद ने काम ये किया है कि जो दीन अल्लाह ने पैगंबर के ज़रिए मुकम्मल करवाया है, जो दीन अल्लाह ने सहाबा के ज़रिए जमाया और दुनिया में फैलाया है, जो दीन खुदा ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और आइम्मा फुकहा के ज़रिए लिखवाया है, उसी देवबंद के उसी दीन को खुदा ने देवबंद के ज़रिए आने वाले फितनों से बचाया है, तो देवबंद को मुस्तकिल दीन नहीं है, बल्कि जो दीन पैगंबर लाए हैं, जिस दीन को सहाबा फैलाए हैं, जिस दीन को इमाम अबू हनीफा लिखवाए हैं, देवबंद वाले उसी दीन को लेके आगे दुनिया में चले हैं। हुआ ये था कि जब नबी ने दीन मुकम्मल करके उम्मत को दिया है, हुआ ये था जब दीन को सहाबा ने दुनिया में जमा दिया और फैला दिया है, हुआ ये था कि जब इमाम अबू हनीफा आइम्मा फुका और मुहद्दिसीन ने दीन को लिखवा दिया है, उम्मत तक दीन जब पहुंचा है तो फिर कई किस्म के लोग आए हैं। बाज़ लोगों ने यह काम किया है कि दीन में कुछ जायद चीज़ें दाखिल की हैं, बाज़ लोगों ने दीन में से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की हैं। देवबंद वाले पहरेदार बन के खड़े हैं, ना दीन में से कोई चीज़ निकलने दी है, ना दीन में कोई चीज़ आने दी है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि आपकी जोग्राफियाई सरहद पे एक फ़ौजी खड़ा है, जोग्राफियाई सरहद पे एक रेंजर का नौजवान खड़ा है, उसके ज़िम्मे काम क्या है? अगर पाकिस्तान का आदमी इंडिया जाना चाहे वो जाने नहीं देता, अगर हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान आना चाहे वो आने नहीं देता, कहता है तुम्हारे पास जाने का परमिट नहीं, उन्हें कहता है तुम्हारे पास आने का परमिट नहीं है। अगर कोई जबरन जाने की कोशिश करे तो ये फायरिंग करता है, अगर जबरन आने की कोशिश करे तो फिर ये फायरिंग करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बंदा दीन में से चीज़ निकालने की कोशिश करता है या दीन में दाखिल करने की कोशिश करता है, जो दीन था अगर कोई निकालना चाहे तो देवबंद वाला फायरिंग करता है, अगर दीन से निकालना चाहे तो देवबंद वाला फायरिंग करता है, लेकिन दोनों की फायरिंग जुदा जुदा है। एक जुग्राफियाई सरहद का मुहाफिज है जिसे फौजी और रेंजर कहते हैं, उसकी फायरिंग अलग है। एक नज़रियाती सरहदों का मुहाफिज है जिसे देवबंदी आलिम कहते हैं, इसकी फायरिंग का नाम अलग है। उसकी फायरिंग को गोलियां कहते हैं, इसकी फायरिंग को दलाइल कहते हैं।
उसकी फायरिंग को गोलियां कहते हैं और इसकी फायरिंग को दलाइल कहते हैं। कोई निकलना चाहे इस्लाम से, हम गोली नहीं मारते, हम दलील दे के कायल करते हैं। अगर कोई बलावजा इस्लाम में चीज़ें दाखिल करना चाहे, हम गोलियां नहीं मारते, हम दलील देकर कायल करते हैं। जो इस्लाम था नहीं उसे कबूल करते नहीं हैं, और जो इस्लाम होता है उसे बाहर जाने देते नहीं हैं। मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि देवबंद की मिसाल पहरेदार की है। अगर बेहतरीन सा मकान बना हो और बाहर पहरेदार खड़ा हो, तो पहरेदार का काम क्या है? अगर कोई मकान से कीमती चीज़ चुराना चाहे, ये चुराने देता नहीं है। अगर कोई मकान के अंदर गंदी चीज़ डालना चाहे, ये डालने देता नहीं है। और पहरेदार ये नहीं देखता ये चोरी करने वाला कौन है, वो ये नहीं देखता ये इजाफे करने वाला कौन है, वो ये नहीं देखता कि ये चोरी करने वाले के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है या इसके चेहरे पे दाढ़ी है, वो ये नहीं देखता इसके सर पे पगड़ी है, वो ये नहीं देखता इसने टाई पहनी है, थ्री पीस के अंदर आया है, वो पहरा देता है। यही हाल देवबंद वालों का है। मिर्ज़ा कादियानी आया है, पगड़ी बांध कर आया है। मिर्ज़ा कादियानी आया, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख कर आया है। देवबंद वालों ने कहा चोर है, इससे तुमने बचना है। और कई लोग ऐसे भी आए हैं, जावेद गामदी आया, वो सर से नंगा होकर आया है। जावेद गामदी आया, उसने अपने चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी रख कर आया है। देवबंद वालों ने कहा ये चोर है, बम्बई में जाकिर नाक आया है, वो थ्री पीस के अंदर आया। देवबंद वालों ने कहा ये चोर है, इससे तुमने बचते रहना है। देवबंद वाला पहरेदार है, पहरेदार ये नहीं देखता चोर की शक्ल कैसी है, वो ये नहीं देखता चोर की अकल कैसी है, वो ये नहीं देखता चोर का कबीला कौन सा है, वो ये नहीं देखता चोर बड़ा है, वो ये नहीं देखता चोर छोटा है। वो देखता है कि चोर चोर है, न उसे चोरी करने देता है, न घर में गंद को डालने देता है। मैं पहली बात समझा रहा हूं कि देवबंद क्या है। आपको एक बात समझ आए तो फिर मैं दूसरी शुरू करूंगा। पहली बात क्या है कि देवबंद, तो देवबंद का नाम ठेकेदार है या पहरेदार? लोग कहते हैं तुम दीन के ठेकेदार हो, लोग कहते हैं ना तुम मौलवी दीन के ठेकेदार हो। आप क्या कहोगे? ठेकेदार नहीं है हम, हम ठेकेदार तो नहीं है, हम पहरेदार हैं। हमने दीन का ठेका नहीं लिया खुदा से, हम दीन के पहरेदार हैं और पहरा देना हमारा हक बनता है। पहली मैं बात समझा रहा हूँ कि देवबंद क्या है। देवबंद ने काम क्या, दीन में इलाहात को इलाहात की वजह से दीन निकलने देते हैं, या बिदात की वजह से दीन में कोई चीज़ आने देते हैं, ये इलाहात को भी रोक देते हैं और बिदात को भी रोक देते हैं। कभी चोर इतनी अच्छी शक्ल में आता है कि बात समझानी बड़ी मुश्किल होती है। हज़रत मुफ्ती महमूद नव्वर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, मैंने अपने कान से ये मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह का बयान सुना है, सामने बैठकर नहीं केसट में, जो चनाब नगर में बयान किया मिर्ज़ाइयत को काफिर करार देने के बाद। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि जब असम्बली में बहस चली है कादियानियत से, उधर जब मिर्ज़ा नासिर आया, उसके चेहरे पे दाढ़ी, उसके सर पे पगड़ी, उसका लंबा चोला, उसके कुर्ते, तो लोग हैरान होते क्या ये भी काफिर हो सकता है, क्या ये भी काफिर हो सकता है। मुफ्ती साहब सोचते थे, फरमाते मैं सोचता था मैं अराकीन असम्बली को कैसे बताऊंगा ये काफिर है, उसकी शक्ल को देखकर लोग कहेंगे ये तो शायद जुनैद बगदादी है, ये शायद, यकीन करें शक्ल देखो, दाढ़ी भी रखी है, सर पे पगड़ी भी बांधी है और लंबा जुब्बा कुब्बा के साथ आया है। मुफ्ती साहब फरमाते मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैं इनका कुफर कैसे समझाऊँगा। लेकिन जब बात चली है तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में ऐसे कायल किया कि आप अंदाज़ा नहीं फरमा सकते, मैं असम्बली की पूरी बात तो सुनाता नहीं हूँ, उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूँ। नंबर एक, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि मुझे एक रुकने असम्बली ने पूछा, मुफ्ती साहब आप जो हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं मानते, क्या इसकी दलील कुरान में भी है? ये रुकने असम्बली है और पूछ रहा है कि इसकी दलील कुरान में भी है। मुफ्ती महमूद फरमाने लगे कुरान करीम का सूरह बकरा पहला पारा, उसमें दलील मौजूद है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। उसने कहा जी पहले पारे में, फरमाया पहले पारे के पहले रुकू में है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। उसने कहा ये हमने कई बार पढ़ा है लेकिन पहली बार आपसे सुना कि पहले पारे में दलील मौजूद है।
मुफ्ती साहब फरमाने लगे, अल्लाह ने जो ईमान वालों की सिफतें बयान फरमाई हैं उसमें जुमला है वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ईमान वाले वो हैं जो उस वही पर ईमान लाएँ जो मेरे मोहम्मद आप पर उतरी है, उस वही पर ईमान लाएँ जो आपसे पहले उतरी है। अल्लाह ने दो वहियों का तस्करा किया है, एक वही वो जो हमारे नबी से पहले है, एक वही जो हमारे नबी पर है। अगर बाद में कोई नबी आना होता और उसकी नबुव्वत ईमान का हिस्सा बनती, अल्लाह आयत यूँ फरमाते, अल्लाह आयत यूँ नाजिल फरमाते वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वमा उन्ज़िला मिन बादिका। भाई ईमान वाला तो वो है जो तुझ पे आने वाली वही को माने, जो तुझ से पहले वही उसको माने, जो तेरे बाद वही आई उसको माने। अल्लाह ने दो वहियों का तस्करा किया है, एक नबी से पहले वही, एक हजूर पर वही है। इससे पता चला मेरे मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आना, अगर आना होता खुदा उसका तस्करा भी कर देते, बात ईमान की थी। और रुकने असम्बली कहने लगा कि जी मुझे बात समझ आ गई है, आप क्या फरमाना चाहते हैं? फरमाया अगर समझ ना आए मैं अगली दलील पेश कर दूंगा। उसने कहा जी हमें बात समझ आई है, मैं समझाने लगा था कि ये नहीं देखते चोर कैसा है, जो बद वाले उसकी चोरी को वाजे कर देते हैं और मसला समझा देते हैं। नंबर दो मुफ्ती महमूद फरमाने लगे ये तो बात रुकने असम्बली की है। जब मेरी मिर्जा नासिर से बात चली वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारे पास दलाइल क्या है? जब मैंने खत्म नबुव्वत के दलाइल शुरू किए तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी माकान मोहम्मद रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबियीन। मैंने एक आयत पढ़ी कि देखो हुजूर न मोहम्मद है और खुदा के आखिरी नबी है। मिर्जा नासिर कहने लगा मुफ्ती महमूद साहब ये कुरान अरबी का है, इसको अरबी की रोशनी में हल करो। मैंने कहा तू हल कर दे। वो कहने लगा यह खातमुन नबियीन का लफ्ज है, अरबी जबान में खातम का माना मोहर है और हम भी कहते हैं खातम का माना मोहर है। उसने लुगत की किताबें पेश कर दी, मुंजद में लिखा है खातम का माना लोहर मोहर है, कामूस में लिखा है इसका माना मोहर है, फला फला लुगत की किताबों में लिखा इसका माना मोहर है। तो हम भी मोहर मानते हैं, जिस पे हजूर की मोहर लगी वो नबी बना है, आइंदा मोहर लगेगी वो नबी बनेगा, तो हम इस बात को तो मानते हैं। मुफ्ती महमूद फरमाने लगे ये कुरान अरबी तो है लेकिन ये बता कुरान उतरा तुझ पे है या मुझ पे है? उसने कहा जी ना आप पे उतरा ना मुझ पे उतरा। तो फरमाने लगे कुरान किस पे उतरा है? उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लम पे उतरा है। मुफ्ती महमूद फरमाने लगे फिर मसला बाजे है, जिस हजूर पे कुरान उतरा है माना उनसे पूछ लेते हैं, हम लुगत को तो नहीं देखते, हम तो नबी को देखते हैं। अगर यह खातम का माना हजूर मोहर करे मैं बात तेरी मान लेता हूँ, अगर खातम का माना हजूर आखिरी करे तो बात मेरी मान ले, मैं खातम का माना आखिरी पैगम्बर से बताने लगा। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबियीना ला नबिया बादी, मैंने खातमुन नबियीन का माना ला नबिया बादी बता दिया है, तो खातमुन नबियीन का माना मोहर नबुव्वत बता दे अल्लाह के नबी से। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैं बता सिर्फ ये रहा था कि जब भी बात चली है तो देवबंद वालों ने दीन पे पहरा दिया है और दीन का दिफा किया है, फिर देवबंद वाले पहरा देते वक्त ये नहीं देखते जब दीन का पहरा देंगे इस पे सजा क्या मिलेगी। अगर पहरेदार आपके मकान का वो बावफा होता है और बाहर से आने वाला ताकत वाला हो वो अपनी जान तो दे देता है लेकिन मकान में घुसने नहीं देता, अपने हाथ पांव कटवा देता है मगर वो घुसने नहीं देता, उसको उठा लिया जाए इगवा बर्दाश्त कर लेता है लेकिन वो घुसने मकान में नहीं देता। बिल्कुल देवबंद वालों ने ये काम किया है कि जब दीन का पहरा दिया कभी इनकी नजर बंदियां आई है ये तब भी पहरा दे रहे थे, इनकी गिरफ्तारियां हुई है ये तब भी पहरा दे रहे थे, ये काला पानी में जेल में डाला गया ये तब भी पहरे दे रहे थे, इनको शहीद कर दिया गया ये तब भी पहरे दे रहे हैं और इंशाल्लाह दीन का पहरा देते रहेंगे। अगर बाजार में हो गलियों में हो कोई दीन के ऊपर एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, अगर पैगंबर की जात पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, खुदा की जात पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, पैगंबर के सहाबा पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, अगर आइमा पर लान तान एतराज करे ये तब भी खड़ा है। मैं बताना ये चाह रहा था कि देवबंद वाले दीन के पहरेदार हैं, कोई जगह तुझे ऐसी नहीं मिलेगी जहां तुझे देवबंद वाला दीन का पहरा देता नजर ना आए। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, अगर मदरसे में देख ले देवबंद वाला मदरस बन के बैठा है, अगर खानकाह को देख ले तो देवबंद वाला पीर बन के बैठा है, अगर बाजारों को देख ले तो देवबंद वाला दाई और मुबल्लिग बन के ये गश्तें कर रहा है, अगर तू मैदान को देख ले देवबंद वाला मुजाहिद बन के बैठा है, अगर असम्बलियों में देख ले तो देवबंद वाला फजल रहमान। देवबंद वाले वहां बैठे हैं कि नहीं? देवबंद वाले दीन के पहरेदार हैं और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह
पूरी दुनिया सुने, जब तक देवबंद वाले जिंदा हैं ना दीन में कमी हो सकती है ना दीन में इजाफा हो सकता है। इंशाल्लाह हमारे वजूद को काटा जा सकता है मगर दीन को बदला नहीं जा सकता। हमें हथकड़ियाँ डाल के जेलों में बंद किया जा सकता है मगर दीन को यूँ बंद नहीं किया जा सकता। मैं पहली बात बता रहा था, हमें यह पता चले कि देवबंद क्या है, उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा कि देवबंद का पैगाम क्या है। मैंने साफ लफ्ज़ों में बात की है, अब बताओ देवबंद कोई अलग नज़रिए का नाम है, देवबंद को अलग मिशन का नाम है, देवबंद को अलग अकीदे का नाम है? देवबंद अलग अकीदे का नाम नहीं है। जो दीन नबी ने मुकम्मल करवाया है, जो दीन सहाबा ने फैलाया है, जो दीन इमाम अबू हनीफा ने लिखवाया है, उसी दीन को देवबंद वालों ने बचाया है।